अवश्य और पिताजी का आना बहुत ही जरूरी है, हम उनके बिना अधूरे हैं, बिल्कुल अधूरे हैं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा में, तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों का अनुभव कैसा है डेरा सच्चा सौदा के बारे में। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? कुलविंदर इंसा। कहाँ से आए हो आप? हम लुधियाना से आए हैं। कितने सालों से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हो? हमें लगभग 10 साल हो गए हैं यहाँ पर जुड़े हुए। हम यही देख रहे हैं कि बहुत सारी दुनिया आती थी, तभी हमने भी यहाँ आना शुरू कर दिया। मतलब कि जैसे कि आपने देखा 5 साल पहले मीडिया में जो दिखाया गया, क्या वो सच था या झूठ? वो तो बिल्कुल झूठ था। दुनियादारी तो बहुत कुछ बोलती है। जैसे हम देखते हैं कि कोई अच्छा लोग होता है, एक ही कोई बुराई देख लेते हैं, उसको भी बहुत ही बुरा बोलते हैं, बट हमारा जो गुरु जी हैं बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो सब कुछ सच था। तो सच क्या है? सच यही है कि गुरु जी बिल्कुल सच्चे हैं। वो जो झूठे जो लोग झूठे हैं वो बहुत कुछ बोलते हैं, बट वो बिल्कुल झूठ है, हमारे गुरु जी बिल्कुल सच्चे हैं। तो मानवता भलाई के लिए उन्होंने क्या कार्य किए? बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी शादियां करवाई जाती हैं, और भी बहुत सारे कार्य हैं। जैसा कि संत जी 1 महीने पहले आए यहाँ पर बरनावा में, तो उन्होंने मानवता भलाई की क्या कार्य किए? बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि पिताजी ने ये भी बोला था कि तिरंगा को हम लहराएंगे, हम उनको कभी भी इधर उधर, जहाँ हम उसको तिरंगा को वहीं लगाएंगे जहाँ हम सिर ऊपर उठा सकें, झुकाए नहीं। ऐसे ही लोगों ने ये भी पता चला है कि हम तिरंगा को कैसे उनको नमस्कार कर सकते हैं। जी जी। जैसा कि मीडिया सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई यहाँ के अनुयायी रक्तदान करते हैं, गरीबों को किट्स देते हैं और गौ वगैरह को रोटी देते हैं, तो क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच है, आप ये रियल में भी देख सकते हैं। तो समाज में क्या प्रभाव पड़ा है? अब संत जी नहीं है तो दुनिया में आप सबसे बड़ी यही बात देख सकते हैं, अब नशे बहुत फैल रहे हैं, बट पहले जो था वो नशे की बहुत ही गिरावट में आ रहे थे, बट जैसे ही पिताजी अब यहाँ पर नहीं हैं तो नशे दिन में दिन भर फैलते ही जा रहे हैं और बुराइयाँ भी बहुत सारी फैल रही हैं। तो समाज में संत जी का आना जरूरी है? जी बिल्कुल अवश्य, और पिताजी का आना बहुत ही जरूरी है, हम उनके बिना अधूरे हैं, बिल्कुल अधूरे हैं। क्यों जरूरी है, क्या करेंगे वो समाज के लिए? जब पिताजी आएंगे दुनिया में सुधार होगा, जैसे कि बीमारियां भी बहुत फैल रही हैं, जैसे गांव में अब आए, अगर पिताजी होते तो हम तो यही कहते हैं कि गायें बिल्कुल ठीक होती, स्वस्थ होती, और ये जो नशे हैं वो भी बिल्कुल छुड़वाए जाएंगे। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे पिताजी को जल्द से जल्द यहाँ डेरा में पहुँचा दिया जाए। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि भाई लोग यहाँ पर यही अपील कर रहे हैं कि भाई संत जी को डेरे में जल्दी से जल्दी लाया जाए, जिससे कि वो समाज का भला कर सके, नशे छुड़वा सके। और ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए द फैक्ट आई के साथ, और अपनी भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा।